इंदौर जिले के महू में ग्राहक पंचायत महू द्वारा 15 दिवसीय ग्राहक जागरण पखवाड़ा में अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में महू कोतवाली चौराहा पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जागो ग्राहक जागो के तहत ग्राहक जागरण व नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महू व आसपास के गांव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष श्री कुमारम नायर ने, साइबर क्राइम नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बिजली विषय पर एवं प्रांत सचिव मुकेश कौशल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1996 एवं नया कानून 2019 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। महू के बाजार एवं ग्राहकों को राष्ट्रीय ग्राहक दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर देवेंद्र भादव्या, दीपक वर्मा, मुकेश सोलंकी, नवीन पवार, गौरी शंकर सेनी, श्रीमती मंजू चौहान, उषा जायसवाल आदि उपस्थित रहे। को अपना ग्राहक कानून लागू हुआ था, इसलिए देश भर में राष्ट्रीय ग्राहक दिन रहता है 24 दिसंबर को। महू इकाई ने भी तय करा था कि समाज के बीच में जाके कुछ जागृति का कार्यक्रम करें। हम सब यहाँ मिलकर ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं और यहाँ पर आज ये कार्यक्रम करा है। किस तरह से यहाँ पे लोगों को समझाई थी? हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा करी, जैसे कि बिजली विभाग विषय पर संजय अग्रवाल जी ने बताया कि मीटर की रीडिंग देखें, मीटर में जो रीडिंग लिखी हुई और बिल में जो रीडिंग लिखी है उसका मिलान करने के बाद ही हम बिल भरें। दूसरा, अगर हम बिल नहीं भर पाए हैं तो बिजली विभाग वाले आके बिजली काट देते हैं। उसके लिए भी नियम है कि 15 दिन के पूर्व उनको लिखित सूचना देनी चाहिए और उसके बाद उनको बिजली काटने का अधिकार है, तब जब कोई वयस्क सदस्य आपके उपस्थिति में हो, पंचनामा बनाएं उसके बाद काटें। इसी हम ये समझाइश देना चाहते हैं। आज ग्राहक दिवस के उपलक्ष्य में हम ये प्रत्येक ग्राहक से निवेदन करते हैं कि आप अपने अपने अधिकारों को जानें। जैसे हम खरीदी कर रहे हैं तो बिल लें, अगर आपने बिल लिया है और उस प्रोडक्ट में कोई गलती निकली है तो आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं, आगे भी कहीं पर शिकायत कर सकते हैं। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आपके साथ छटकपट होता रहेगा, धोखाधड़ी होती रहेगी। इस कानून को पहले कितने वर्ष हो गए? सब 1986 में लागू हो गया था और अभी 2019 में इसका नया वर्जन, जिसको हम कहते हैं कि नया ग्राहक कानून, वापस लागू हुआ। उसका कारण यह है कि 1986 का मार्केट अलग था और 2019-20 का मार्केट अलग है। उस समय ऑनलाइन शॉपिंग या नेट और इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी, तो ऑनलाइन ठगी के लिए पुराने कानून में कोई भी सजा का प्रावधान या इस प्रकार का कुछ भी नहीं था, जो नए कानून में उसको कवर करा है। रामविलास पासवान जी जब इस मामले के मंत्री थे, उन्होंने इसका संसद में प्रस्तुत करा, लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद में 20 जून 2020 को यह लागू होकर अस्तित्व में आ गया है। मैं मुकेश कौशल, ग्राहक पंचायत मालवा प्रांत सचिव, KRN न्यूज़ के लिए महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट।